हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, अब जैसे कि तुम्हें पता है कि सिर्फ 7 दिन, हाँ 7 दिन बचे हैं मूवी को लेके। कल की वीडियो आ रही है, तो मैं तुमने से समझ आ गया। अब तुम्हें जो मैंने देखा ट्रेलर को बार 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 एनालाइज करके, तो क्या क्या नई चीज़ें पता चली हैं, और कुछ मेरे को सजेशन मिले थे वीडियो से रिलेटेड, वो भी आज पूरे कर दूंगा। हाँ, तो पहले तो कल की 2989 AD है क्या, मतलब कल की कौन है, पहले वो सवाल तुम्हारे अगर नहीं पता है तो वो बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगा। आज भाई आया है, बिल्कुल बेसिक से ज्ञान लेके जाएगा, समझ दे ही जाएगा। तो कल की पुराण और भगवद गीता के अकॉर्डिंग जो कल की जी हैं, वो 10वें इनकारनेशन होने वाले हैं, मतलब अवतार होने वाले हैं हमारे विष्णु जी के। और वो कैसे होंगे और क्या होंगे, वो उसके बारे में बात करते हैं। वो पुत्र होंगे विष्णु यशा, जो कि एक ब्राह्मण है, और सुमति के। और सुमति कौन है, इस मूवी में हमें थोड़ा हिंट दिया गया है, जो बाउंटी आई थी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, देखा करो भाई, पिछली वीडियो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, नहीं देखा तो ये लो। और उनका जन्म होगा एक जगह पे जिसका नाम है संभाला, और उनका जन्म एक सिर्फ एक कार्य के लिए होगा, जो कली नाम का एक राक्षस है उसको मृत्यु घाट उतारने के लिए। और कल की अवतार की डिपिक्शन कुछ इस तरह है कि वो एक देवदत्त नामक घोड़े पे आएंगे, जो जिसका ट्रेलर में कुछ रेफरेंस मिला, इसका मूवी में सीधा कनेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा वो तुम्हें पता है, मुझे भी नहीं पता अभी, तो वो सिर्फ डायरेक्टर को पता है कि वो कैसे हिंट करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से जो संभाला है वहाँ पे एक घोड़ा होगा, जो भी हमें हिंट करा जाएगा, और फिर धीरे धीरे वही घोड़ा हमारे कल्कि जी का प्यारा हो जाएगा। डिपिक्शन कुछ इस तरह है कि उनके सीधे हाथ में एक ब्लेजिंग स्वॉर्ड होती है, मतलब जलती हुई लपटों की तलवार, और एक हाथ में उल्टे हाथ में शील्ड, मतलब ढाल वो होती है। तो कल्कि अवतार की जो बेसिक नीडफुल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हें दे दी इस वीडियो में, और थैंक यू सजेशन दे देंगे, थैंक। तो अब मैं कल्कि के बारे में बताना चालू करता हूँ। कल्कि एक डीमन है, डीमन या तुम उसको एक फॉर्म कह सकते हो बुराई की, जो कि जिसकी फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, वो कभी किसी और किसी रूप में होता है और कभी किसी और रूप में होता है। तो कल ये कौन है, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे टाइम में। अब पीछे आ गए हैं तो अभी बताते हैं। तो प्रलय के पश्चात ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म होता है अधर्म का, और अधर्म की पीढ़ियों में से एक पीढ़ी में आता है कली, कली राक्षस, जिसका कोई फिक्स फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। कली, जैसे कि मैंने बताया, कली अधर्म का डिसेंडेंट है, और उसकी माँ का नाम है हिंसा। और उसका डिपिक्शन कुछ ऐसा किया गया है, जो ग्राउंड से जो हम ऑयल निकालते हैं वो जितना काला होता है उससे भी ज़्यादा काला, और जो उसकी जीभ है वो बिल्कुल लाल है, और उसका पूरा परिवार ही वैदिक जो संस्कृति है उसको ख़त्म करना चाहता था पुराने ज़माने से। ये सारी चीज़ें मैं जो इंटरनेट पे मिली मेरे को थोड़ा बहुत ढूंढ के उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जैसे कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कली और कल्कि अवतार के बारे में, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं फैन थ्योरीज पे, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ों में से एक है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया बहुत ज़्यादा एनालाइज करके। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो। तो जैसे कि तुमने यास्किन के सर पे एक लाइन या एक क्रैक देखा हो जिसमें से लाल कलर की रोशनी निकली हो, और एक रोशनी तुमने और देखी होगी, तुम्हें याद नहीं, देखो हाँ। तो ये जो ये एनर्जी सीधा स्ट्रेट फ्रॉम दी क्रस्ट ऑफ दी अर्थ निकाली जा रही है, और वो सीधा जा रही है यास्किन के महल तक, जो कि ऊपर लिफ्ट देख रखी है तुमने, कौन सा ऐसी लिफ्ट बना रखे, तो यास्किन के महल तक जा रही है। तो मेरे हिसाब से मेरी ये थ्योरी है कि जो यास्किन है उसको जो अभी तक शक्तियाँ मिल रही थी, या जो भी उसके जीने के सोर्स था, वो था एक तरीके से रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, जब जो एनर्जी वो ख़त्म होती जा रही है, और जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि वर्ल्ड का क्या हालत हो चुकी है, तो इसी वजह से यास्किन कमज़ोर हो चुका है, और उसे और एनर्जी के लिए और कुछ चाहिए, इसीलिए तुम्हें जो वाइट रेड लाइट है वो दिखी होगी उसके माथे पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो रोशनी ही उसका एनर्जी सोर्स है, जो कि वो अर्थ करस से ले रहा है, अर्थ के अंदर से ले रहा है। और ट्रेलर में हमें जो यास्किन की सेना, उनके सेनापति बात करते हुए दिखाई जाते हैं कि ये 6000 साल पहले देखी थी ये शक्ति। तो ये शक्ति है क्या, 2898 AD से 6000 साल पहले आओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये महाभारत का युग था। हाँ, है ये, मैंने खुद नहीं कहीं देखी, ये उसके डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बोला था, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 6000 साल पहले जो मणि की एनर्जी थी वो देखी गई थी, और उसके बाद तुम्हें पता है कि मणि छीन ली गई थी अश्वत्थामा से, और अब अश्वत्थामा के पास उनकी मणि वापस आ चुकी है, इसलिए शायद से वो उस एनर्जी सिंबल की बात कर रहे हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी आदमी मनुष्य या किसी भी अन्य की। जैसे कि हम थ्योरीज बना ही रहे हैं हम सारे लोग, तो एक जो थ्योरी है जो लोग बना रहे हैं कि जो हमारे प्रभास हैं वो कल की नहीं होंगे, इसके ना बहुत कम चांसेस हैं, बताऊँ क्यों, क्योंकि अगर तुम देखोगे प्रभास एज अ एक्टर, वो बहुत बड़ा एक्टर है भाई, और वो ऐसी किसी भी मूवी में क्यों साइन होगा जिसमें उसको साइड कैरेक्टर या जो लीडिंग हीरो है वो नहीं माना जा रहा, समझ रहे हो मेरी बात, अगर वो खुद कल्कि नहीं है तो वाई ही इज साइन फॉर दिस मूवी।
उसको कोई और मूवी मिल जाती भाई, वो बहुत बड़े काम कर चुका है, तुम्हें पता है आदि पुरुष भी उसको मिल रखी है, तो ऐसा नहीं कि उसको प्रोजेक्ट से मिल ले, ठीक है। तो तुम मेरा वो कंसर्न समझ रहे हो कि अगर वो लीडिंग हीरो नहीं है तो क्यों है वो वाला। इसलिए मेरे को लगता है कि जो कल्की है वो कहीं ना कहीं ऑल द वे कनेक्टेड होगा प्रभास के कैरेक्टर से, इसलिए है वो यहाँ। ये तो या तो ये हो सकता है कि कल्की अवतार का जो प्रोटेक्टर है वो हमारा प्रभास का कैरेक्टर बन जाए, क्योंकि उसने जब इतनी डिस्ट्रक्शन फैला दी उसके बाद उसको समझ आया कि मैंने कितने निर्दोषों की जान ले ली सिर्फ एक मोह के चक्कर में, मेरे को कॉम्प्लेक्स जाना है, अरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले चल तेरे को, आ जा मेरे भाई। और कुछ लोग कह रहे थे जो मेरी पर्सनल क्रश या जो मेरी मेरी है मृणाल ठाकुर, वो सही समेटी होने वाली है, सुमति होने वाली है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडर्स को पता हुआ, और अगर रेडर्स को पता है तो जैसे कि प्रभास जब फाइट कर रहे होते हैं रेडर्स के साथ, तो पहले रेडर्स बता देते ना कि ये नहीं है वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है ये कोई और है, वो फिर अपना नया पाथ बनाते और उस पर चले जाते, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो दीपिका पादुकोण है वही समझ, और ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि जो कल्की है ना वो अपनी कॉन्शियसनेस कल्की की बॉडी में, मतलब जो समेती का पुत्र होने वाला है, क्योंकि वो एक कैंप में थी, डीएनए मैचिंग कर रहे थे तब से कि एक कल्की की बॉडी को कौन कॉन्शियसनेस संभाल पाए, कौन सी बॉडी, वो ढूंढ रहे थे वो। और अब जब उनको मिल चुका है तो वो इंसान ही भाग चुका है जिसके पास वो बच्चा है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ना लार्जर प्लान का एक पार्ट है कि जो कल्की है उसको चाहिए अब नई बॉडी, क्योंकि वो यास्किन की बॉडी में रह रह के थक चुका है, और वो बॉडी पूरी चूस चुका है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी उसकी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी है, वो बूढ़ा हो चुका है, तो अब उसको एक नई बॉडी चाहिए। और अगर वो बॉडी खुद विष्णु के दशम अवतार कल्की की हो तो उससे अच्छा क्या ही होगा। अगर वो बॉडी उसको मिल जाती है तो उसको कभी भी किसी नई बॉडी की तलाश में जाने ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो इतनी भागदौड़ कर रहा है। और इस पूरी बॉडी को हथियाने के बाद वो इस दुनिया को बिल्कुल ही टॉप पे रूल करेगा और कोई इसको रोक नहीं सकता। तो कैसी लगी ये सारी फैन थ्योरीज, अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी खराब लगा हो तो कमेंट कर दो। अगर मैं अभी नहीं देख पाया तो कुछ दिन बाद देख लूँगा, बट देखूँगा जरूर। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और आते रहो कमेंट सेक्शन में या इस चैनल पर कहीं भी आते रहो, तुम सपोर्ट दिखाओगे थोड़ा सब्सक्राइब लाइक के साथ, ठीक है। तो मिलता हूँ।